इन फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइपोथेसिस बाय ग्रोथ माउंट एजुकेशन। आई एम ध्रुव जानी। पिछले लेक्चर में हमने हमारा जो उपाख्यान था वह इजिप्त के बारे में वह समाप्त किया था, और इजिप्त के बारे में हमने कई पहलुओं की बात की, कई पहलुओं का अभ्यास किया। आज के उपाख्यान में हमारे पास दूसरी प्राचीन विश्व की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसे सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है। इंग्लिश में उसे सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यह भी इजिप्त की जैसी सभ्यता थी, वैसी ही यह सभ्यता भी एक विशिष्ट मानी जाती है। और जैसे इजिप्त ने हमें विश्व को कई सारे भेंट दिए, तो ठीक उस तरह ही यह सुमेर की जो सभ्यता है, यह सभ्यता ने भी विश्व को कई सारी भेंट दी, कई सारी नई नई वस्तुओं का आविष्कार किया और उसका उपयोग करने की शुरुआत की। देखिए, इजिप्त के बारे में जो हमने बात की, जिन जिन पहलुओं पर बात की, वह दरअसल एक ब्लूप्रिंट है कोई भी जो सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, उसे पढ़ने का। और यह जो ब्लूप्रिंट है वह हर जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, कोई भी प्राचीन सभ्यता हो, उसमें हमें 8-10 जो बिंदु है वह बिंदुओं को याद रखना है, और यह बिंदुओं को हमें समझना होगा, उसका अभ्यास हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी तो क्या, हिस्ट्री अगर आप देखें तो यह एक बहुत बड़ा और विशाल सब्जेक्ट है, तो इसे याद रखने के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट की ज़रूरत रहेगी। और यह ब्लूप्रिंट जो है वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लगभग सभी सभ्यताओं को पढ़ने में आप यह जो चीज़ है वह लागू कर सकते हैं, और पढ़ाई करने की जो सरलता है उसका आप जो अनुभव है वह कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्राचीन सभ्यता हो, पहले उसका आता है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के बाद हमें उसका राजकीय इतिहास जानना जरूरी होता है कि वहाँ जो शुरुआत हुई थी तो वो कैसी थी, जो वहाँ का जो शासन था वह किस तरह चल रहा था, इसकी हमें माहिती होनी चाहिए। राजकीय इतिहास के बाद राजतंत्र के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि वहाँ के जो राजा थे वे उस समय कौन कौन से प्रकार से वे राज करते थे, और वह जो राज करने में, उनके जो शासन प्रशासन करने में उनके कौन कौन से अंग थे, तो इन सब चीज़ों की माहिती जो है वह हमें राज्यतंत्र में से मिलेगी। उसके बाद हम लोग वह निश्चित सभ्यता की सामाजिक स्थिति देख सकते हैं, सामाजिक स्थिति के अभ्यास कर सकते हैं कि वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी वह, पहले तो वहाँ जो समाज था वो किन किन लोगों से बना था, समाज जो था वो कौन से प्रकार का था, वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी, अगर थी तो कितने प्रकार के वर्ण थे इत्यादि। सामाजिक स्थिति के बाद आर्थिक स्थिति, वहाँ का जो अर्थतंत्र है, किसी भी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का, किसी भी पर्टिकुलर जो है सभ्यता का जो अर्थतंत्र है वह कैसे चलता था, मुख्य व्यवसाय क्या था, कौन कौन से लोग किस किस प्रकार का काम करते थे, क्लियर, तो इत्यादि इन सब चीज़ों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। आर्थिक स्थिति के बाद आगे वहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए कि उन लोगों की जो श्रद्धा थी वह किस दिशा में थी, उन लोगों के जो देव थे वे कौन से थे, उन लोगों की जो मान्यताएं थी वे कौन कौन सी मान्यताएं थी। धार्मिक स्थिति के बाद कला व स्थापत्य, कोई भी सभ्यता हो, हमें थोड़ी यह जानने की भी ज़रूरत रहती है कि उन 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 लोगों ने कौन कौन सी कलाओं को आत्मसात किया था, कौन कौन सी कलाओं को विकसाया था। इसके बाद शिक्षण व साहित्य, और अंत में समीक्षा। क्लियर, तो इन मुद्दों को हम लोग किसी भी सभ्यता में लागू कर सकते हैं, और हमारे जो प्रश्न होते हैं, हमारी परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं, वे यह
जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, यह मुद्दों में से ही निकलते होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में अगर हमें पूछ लिया जाए कि इजिप्ट के लोगों की, प्राचीन इजिप्त वासियों की या प्राचीन मिस्र वासियों की जो मरणोपरांत मान्यताएँ थी, वह मान्यताओं को के ऊपर प्रकाश कीजिए, उसके ऊपर चर्चा कीजिए, क्या वो मान्यताएँ व्याजबी थी, गैरव्याजबी थी। तो पहले उसके लिए हमें वह जो मान्यताएँ थी उसका पता होना ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न आपको पूछ लिया जाए कि वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी, वह सामाजिक स्थिति में नारी का जो स्थान था, स्त्री का स्थान, वो कैसा था, वहाँ के जो विवाह होते थे, विवाह का जो सिस्टम था वो कैसा था। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, इसके जो जवाब है, वह हमें इस ब्लूप्रिंट के तहत स्टडी करने से ही हमें मिल पाएंगे। अब देखिए, यह तो बड़े बड़े मुद्दे हैं, इनमें से और छोटे छोटे मुद्दे भी निकल सकते हैं। जैसा कि जो राजतंत्र की अगर बात की जाए, तो वहाँ का जो प्रशासन था वह कैसा था, वहाँ की जो कानून व्यवस्था थी वो कैसी थी, राजा का क्या अभिनय था, इत्यादि चीज़ें। सामाजिक स्थिति में तो कई सारे छोटे छोटे मुद्दे निकल सकते हैं, आहार विहार, स्त्रियों की स्थिति, वहाँ की जो प्रजा है जिससे समाज बना है, वह प्रजा का इतिहास, उसके बाद गुलामों की स्थिति, इत्यादि। क्लियर, हर एक मुद्दे में से यह सब छोटे छोटे मुद्दे निकल सकते हैं। अगर धार्मिक स्थिति की बात करें तो वहाँ की देव सृष्टि, वहाँ के देवों के प्रकार, वहाँ के गिरजाघरों का स्थान, वहाँ के धर्मगुरुओं का स्थान। शिक्षण व साहित्य की बात करें तो अलग अलग जो विषय है, जिन विषयों पे कोई भी सभ्यता में शिक्षा दी जाती हो, कोई भी शिक्षक, कोई भी सभ्यता कोई भी विषय में आगे हो, विकसित हो, तो उनकी भी नोंद हमें लेनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया की किसी भी सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता हो, कितनी भी प्राचीन क्यों ना हो, इन 8-10 मुद्दों से हम लोग उसका अभ्यास जो है वह कर सकते हैं। और हमें याद रखना है ऐसा कि एग्ज़ाम में पूरी की पूरी सभ्यता तो नहीं पूछ सकते किसी भी एग्ज़ाम में, इट इज़ एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल। मगर इसमें से जो अलग अलग मुद्दे होते हैं, यह मुद्दों को पूछा जाता है और यह मुद्दों के ऊपर हमारा जो जवाब है वह मांगा जाता है। कई बार UPSC जो है वह दरअसल कंपेरिजन भी पूछ लेती है कि अगर जो प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसमें भी स्पेसिफिक कंपैरिजन भी पूछी जाती है कि धार्मिक स्थिति दोनों सभ्यताओं की, उनमें आप भेद या जो साम्यता है उसकी चर्चा करें, वो बताएं। क्लियर, तो ऐसे प्रश्नों को लिखने के लिए, ऐसे प्रश्नों को अच्छी तरीके से लिखने के लिए, एक तो हमारी ऐसे राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इस राइटिंग स्किल्स के साथ साथ हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो भी एकदम बढ़िया होना चाहिए। आज हम बात करेंगे सुमेरियन सिविलाइजेशन की। जैसा कि मैंने बताया कि सुमेर भी इजिप्त की तरह एक विशिष्ट सभ्यता मानी जाती है। विशिष्ट इसलिए मानी जाती है क्योंकि सुमेर ने भी इजिप्त की तरह कई सारी चीज़ें जो है विश्व को सर्वप्रथम बार भेंट दी है, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से ही इसका जो महत्व है वह कई गुना बढ़ जाता है। एक कारण वो भी है इसकी महत्वता जो बढ़ाता है, और वो यो है कि इसकी अर्ली एजेस, इसका जो समय है वह अति प्राचीन है, और इसी की वजह से ही यह सभ्यता जो है उसका जो महत्व है वह हमारे लिए अनेक गुना बढ़ जाता है। तो शुरू करेंगे हम आज हमारी जो सुमेर की जो सभ्यता है वहाँ से। इजिप्ट की सभ्यता के बारे में हमने चर्चा की थी, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है जो सभ्यता हम उसकी बात करेंगे।
लगभग हम प्राचीन विश्व की सारी संस्कृतियों के बारे में बात करने वाले हैं और सबके बारे में एकदम डिस्क्रिप्टिवली चर्चा करेंगे। आपको डिस्क्रिप्टिवली बनाया हुआ जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको एकदम फ्री में आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो शुरू करते हैं। सुमेर की सभ्यता एशिया खंड की भूमि विश्व की अनेक संस्कृतियों की जन्मदाता है। यस, अगर आप एशिया की बात करें तो देर आर नंबर ऑफ सिविलाइजेशंस विच आर एक्चुअली एमर्ज्ड एंड फ्लरिश्ड इन द लैंड ऑफ एशिया और ऑन द लैंड ऑफ एशिया आप बोल सकते हो। देखिए, विश्व की संस्कृति, विशिष्ट संस्कृतियों का विकास जो है वह यही हुआ है। विश्व की विशिष्ट संस्कृतियों का जो विकास है यह एशिया की भूमि पर हुआ है और इसके एग्जाम्पल की एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सेट कर सकते हैं, पहली तो सिंधु सिविलाइजेशन, दूसरी हुआंगही यानी कि येलो सिविलाइजेशन, जो तीसरी है वह है मेसोपोटामिया। क्लियर, तो यह 3, 4, 5 थोड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका विकास जो है, जिसका एक्चुअली पहले तो उद्भव हुआ एशिया में और उद्भव के बाद उसका जो विकास है वह एशिया में ही हुआ और बड़ी मात्रा में इन सभ्यताओं का विकास जो है वह हुआ था। देखिए, मेसोपोटामिया जो है हमें अक्सर कन्फ्यूजन्स रहता है फ्रॉम आवर अर्ली स्टडीज टू आवर कम्प्लीशन ऑफ आवर स्टडीज। देखिए, मेसोपोटामिया हमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है फ्रॉम आवर अर्ली स्टडीज टू द कम्प्लीशन ऑफ आवर स्टडीज कि यह दरअसल जो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वह क्या है और कहाँ थी, और एक टाइप ऑफ एंग्जिटी और ए टाइप ऑफ क्यूरियोसिटी यह सब जैसे विषयों के बारे में हमें रहती है। तो मैं पहले यह आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेसोपोटामिया एक बड़ा सा प्रदेश का नाम है और यह प्रदेश में समय के विविध बिंदुओं पर अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ है। कोई एक संस्कृति यह मेसोपोटामिया पूरा क्लेम नहीं कर सकती। देर आर वेरियस सिविलाइजेशंस विच डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द एरिया कॉल्ड मेसोपोटामिया। दूसरी बात, यह जो मेसोपोटामिया शब्द है वह दरअसल ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका सिंपल अर्थ होता है एरिया बिटवीन टू रिवर्स। क्लियर, इट इज अ सिंपल वर्ड फ्रॉम ए ग्रीक लैंग्वेज और इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो प्रदेश है उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है और इसी की वजह से ही यह जो प्रदेश है आज का सुमेर सभ्यता का वह मेसोपोटामिया ही कहलाता है, क्योंकि यह दो मुख्य नदियों के बीच में, दो मुख्य नदियों के स्राव क्षेत्र के विस्तार में यह जो पूरी सभ्यता है यह उसका उद्भव हुआ और उसका विकास हुआ। जैसे मैंने बताया, सुमेरियन सिविलाइजेशन इज नॉट द एलोन सिविलाइजेशन टू एमर्ज एंड फ्लरिश, बट देर वेर मेनी अदर सिविलाइजेशंस विच एमर्ज्ड एंड फ्लरिश्ड एज वेल इन दिस एरिया ऑफ मेसोपोटामिया। अक्काडियन सिविलाइजेशन, असरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनिया, क्लियर, यह सब जो सभ्यताएं हैं, यह सब सभ्यताओं का जो उद्भव और विकास है यह मेसोपोटामिया नामक भौगोलिक प्रदेश में हुआ। क्लियर, तो यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है वह वन ऑफ द सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया एरिया का या मेसोपोटामिया कल्चर का। सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ अनेक ऐसे सिविलाइजेशन है जो कि जिसका जो समावेशन है वह मेसोपोटामिया में होता है। यहाँ की अनुकूल परिस्थिति के कारण दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया। यस, यहाँ की अनुकूल परिस्थिति ने, क्लियर, कई सारे कारण है। जैसे हमने देखा था कि इजिप्ट जो है वह बरसों तक, प्राचीन समय में बरसों तक आकर्षण का केंद्र रहा अपने आसपास के प्रदेशों के लोगों के लिए, तो उसका एक मुख्य कारण था उसकी फर्टिलिटी, जो उसका जो उपजाऊपन था इजिप्ट का वह एक मुख्य कारण था और इसी की वजह से ही वहाँ के जो लोग थे वे यह प्रदेश की तरफ सदैव आकर्षित रहे।
ऐसे ही सुमेर का जो प्रदेश है, यह प्रदेश की भी विशिष्टता है, और इसी विशिष्टता के वजह से आसपास के जो लोग थे वे लोग सदैव यह तक में रहते थे कि कब हम लोग जो है वह सुमेर में घुस जाए और वहाँ पे जो है स्थायी हो जाए। क्लियर। वैसे तो कई कारण हैं, मगर एक दो कारण हम लोग साइट कर सकते हैं। पहला तो अनुकूल आबोहवा हम लोग कह सकते हैं, कंड्यूसिव क्लाइमेट। कई कारणों में से एक जो है यह मुख्य कारण है। दूसरा जो मुख्य कारण है वह है फर्टिलिटी। और जो तीसरा मुख्य कारण है वह है सी ट्रेड। विद्वानों के द्वारा मुख्य रूप से यह तीन कारण दिए गए हैं जिन कारण से यह जो सुमेर का प्रदेश है वह प्राचीन समय से जो है आकर्षण का एक मुख्य बिंदु रहा है। उसके बाद यहाँ की जो प्रजा है वह बाहर से आई स्थिर हुई, परिस्थिति के मुताबिक सिद्धियाँ प्राप्त की। देखिए बाहर से आई, कहाँ से आई, क्लियर, कौन थी, कहाँ से आई, तो हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन लोगों को भी अभी जो है कन्फर्म्ड, उन लोगों को भी नहीं पता, वे भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे हैं। मगर कई सारे मत हैं, जितने जो हिस्टोरियंस हैं उतनी बातें होती रहती है, हम लोग उसकी भी बातें करेंगे, कौन कौन से मत हैं और जो जो मत सर्वानुमत से जो एक्सेप्टेड है उसकी भी बात करेंगे कि हाल में जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वह कौन सी थियरी है, उसकी भी बात करेंगे। देखिए जैसे एक बात आगे तो हम करेंगे ही, मगर इधर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे इजिप्त जो है वह नाइल नदी के तट पर उसका जो उद्भव है और उसका जो विकास है वह हुआ था, ठीक ऐसे ही यह जो सुमेर का प्रदेश है उसका भी उद्भव और विकास जो है यह सभ्यता का, यह पूर्ण रूप से दो मुख्य नदियों के तट पर ही हुआ है, उसके स्राव क्षेत्र के उसके एकदम समीप ही हुआ है, इनफैक्ट उसके डेल्टा में ही हुआ है। उसका जो मुख्य त्रिकोण प्रदेश होता है जब नदी जो है वह समुद्र में मिलती है तो वहाँ जो ही जो उपजाऊ प्रदेश का जो निर्माण होता है वह निर्माण में ही यह सुमेर का उद्भव हुआ। और वो दो नदी जो है वह नदी दो मुख्य रूप से है, एक है टाइग्रिस और दूसरा जो है वह यूफ्रेटिस। दूसरी जो नदी है वह है यूफ्रेटिस, पहली जो नदी है वह टाइग्रिस। दोनों नदी बड़ी है और यूफ्रेटिस की तो गणना जो है एशिया की बड़ी नदियों में भी की जाती है। दोनों के जो स्रोत है, दोनों के जो सोर्स है वे लगभग लगभग तुर्की, और तुर्की में से मेनली अगर हम देखें तो साउथ ईस्टर्न एंड साउथ तुर्की। दोनों के जो स्रोत है वे तुर्की में ही है और तुर्की का जो एक पहाड़ी इलाका है वहाँ से यह दोनों नदी जो है वह निकलती है। उत्तरी इराक में इन दोनों मुख्य नदियों का कॉन्फ्लुएंस भी होता है और आगे जाके पर्शियन गल्फ में जो है वह समुद्र में समा जाती है। तो जहाँ डेल्टा एरिया है इन दोनों नदियों का, यह डेल्टा जो एरिया है वह जो प्रदेश है वह समर के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था। समरा उसे भी समरा भी उसे लोग कहते थे बहुत प्राचीन समय में, मगर धीरे धीरे यह नाम जो है वह समर हो गया और आज हम यह सभ्यता को, यह जगह को समर के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। अब आगे देखें तो हमने देखा कि विविध जो आसपास के जो लोग थे इन लोगों का जो है आकर्षण का केंद्र रहा था सुमेर, क्योंकि यहाँ जो आबोहवा थी वह एकदम अनुकूलित थी, विच मीन्स वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और क्लाइमेट फॉर लिविंग। दूसरी बात, यहाँ से जो सी ट्रेड होता था उसकी भी सहूलियत थी, वो भी एकदम ईजी था। और नेक्स्ट जो थर्ड रीज़न था वह था इन दो नदियों की जो डेल्टा रीजन है और उसकी वजह से इसकी जो उपजाऊता है, इसकी जो फर्टिलिटी है, यह भी एक मुख्य कारण रहा था। तो धीरे धीरे अब विविध समूह अस्तित्व में आने लगे,
वो हमने इजिप्ट के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तब हमने बात की थी कि भाई शुरुआत में कोई भी जो मनुष्य था, कोई भी समूह था, वह अकेले ही रहता था कोई भी भौगोलिक क्षेत्र पर, क्योंकि तब हम खाना उग नहीं सकते थे हमारी ज़रूरत के मुजब, विच मीन्स देर वॉज नो एग्रीकल्चर। बट अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो है उसका आविष्कार होता गया, मनुष्य जो है उसकी ज़रूरत के मुजब जो खाना है वह धीरे धीरे उगाने लगा, पैदा करने लगा। तो धीरे धीरे एक समूह की भावना का विकास हुआ मनुष्य के दिमाग में, और धीरे धीरे जो मनुष्य है वह धीरे धीरे समूह में रहने लगा। इन समूह द्वारा अलग अलग राज्यों की स्थापना शुरू हो गई। ये जो राज्य थे वे दरअसल सिटी स्टेट्स थे, नगर राज्य थे, जिसे हम हिंदी में नगर राज्य कहते हैं। कोई विशाल सा कोई राज्य जो हो तो वह जन्म से ही विशाल नहीं होता, क्लियर। नगर राज्यों से छोटे छोटे नगर जो है वे राज्य की तरह पहले रहते थे, राज्य ही थे इनफैक्ट, और उसमें से उन लोगों के मिलन से, उन लोगों के यूनिफिकेशन से कोई बड़ा राज्य जो है वह अस्तित्व में आता था। परिणाम स्वरूप विविध संस्कृतियों का उदय हुआ, और आगे हम लोग मैप में देखेंगे। मगर इधर मैं आपको एक अगर आइडिया देना चाहूँ तो अगर यह सुमेर है पूरा का पूरा, तो यहाँ एकदम साउथ में यानी कि पर्शियन गल्फ के एकदम बाजू में यह पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ। तो यहाँ एकदम उसके डेल्टा के बाजू में उर, यू आर नामक एक छोटा नगर राज्य अस्तित्व में आया था, और यहाँ का जो राजा था वो थोड़ा शक्तिशाली था। उसके ऊपर एक उरुक नामक जगह है, यू आर यू के। तो यहाँ भी एक राज्य था, थोड़ा शक्तिशाली था उर के जैसा ही। इसके बाद अगर आगे देखें तो यहाँ एक जमदेत नास्त्र नामक एक जगह थी, तो ये भी एक अच्छा खासा राज्य था। तो इस तरह एक भौगोलिक इलाके में, भौगोलिक प्रदेश में कई सारे छोटे बड़े जो नगर राज्य थे वे अस्तित्व में धीरे धीरे आने लगे। जैसे कि आप ऊपर जाओगे तो यहाँ असेरिया है, उसके जो यह जो प्रदेश है साउदर्न मोस्ट, यह सुमेर का है, या आप समरक का कह लीजिए। उसके ऊपर का जो विस्तार है, यह विस्तार, यह दरअसल अक्कड एरिया है, सब मेसोपोटामिया ही है। यहाँ से ऐसे दो नदियाँ हैं, हम लोग आगे देख रहे हैं मैप में तो आपको क्लियर हो जाएगा, मगर एक आपके लिए एक जो माइंड में जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए वो देने का मैंने प्रयास किया है। तो इस तरह कुछ अच्छे खासे भौगोलिक प्रदेश में ऐसे ऐसे छोटे छोटे नगर राज्य जो है वह सामने आने लगे। दूसरी बात, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि यह जो पूरी सभ्यता थी वह कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी, तो हम लोग ऐसे तो इसका जो अंदाज़ा है वह लगाना मुश्किल है, मगर मोटे तौर पे आज जो इराक है, उसका जो एरिया है यह लगभग 0.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। इराक का वही जो इजिप्त का जो आज का एरिया है यह वह दरअसल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, क्लियर। तो कंपैरेटिवली यह जो सुमेर की जो सभ्यता थी वह थोड़ी छोटी थी, इसका जो विकास है वह थोड़े छोटे भौगोलिक प्रदेश में हुआ था। उसके बाद अगर हम भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो प्राचीन युग की जो यूरोपियन और अमेरिकन सभ्यता है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता का से ऋणी है। देखिए यह जो वाक्य है
यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आज के समय जो अर्वाचीनी यूरोपियन समाज या अमेरिकन समाज जो है, वह समाज की जो विरासत है, यह विरासत इस मेसोपोटामिया संस्कृति से आई हुई है। उस समाज के जो मूल्य है, उस समाज के जो रीति रिवाज है, यह सब चीज़ों में मेसोपोटामिया जो है यह सभ्यता का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि अर्वाचीन जो यूरोपियन संस्कृति है और अमेरिकन संस्कृति है, यह संस्कृति मेसोपोटामिया की प्राचीन संस्कृति से ऋणी है। दे आर ऑब्लिगेटरी टू द एंशियंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यह उपजाऊ प्रदेश दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। अगर एशिया में, अगर ये हमारा एशिया है, तो दक्षिण पश्चिम जो आप भाग कह लो, क्लियर, तो यहाँ कुछ एरिया में इसका जो उद्भव और विकास है वह हुआ था। यह प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को दो भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। देखिए यहाँ दो भाग है, दिस इज वन एंड दिस इज टू। अपर मेसोपोटामिया और लोअर मेसोपोटामिया दोनों को हम वही भाग में जो है उसको विभाजित कर सकते हैं। अपर मेसोपोटामिया, जिसे नॉर्दर्न भी कह सकते हैं, वहाँ जो सभ्यता थी वह थी एसरियन सभ्यता, जिसका जिक्र हमने अगली स्लाइड में किया था। और नीचे की जो मेसोपोटामिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जिसे साउदर्न मेसोपोटामिया भी कहा जाता है, वहाँ दो सभ्यताओं का उद्भव हुआ। एक तो थी अक्कड़ की, जिसे अक्कडियन कल्चर या सिविलाइजेशन कहा जाता है, और दूसरी जो थी वह थी सुमेर की। हालांकि सुमेर की जो थी वह थोड़ी ज़्यादा दक्षिण में थी इन कंपैरिजन टू अक्कड़, इसीलिए यहाँ भी आपको नीचे देखने को मिलेगा। देखिए यह दो नदियाँ हैं, नदियाँ उसके स्रोत से निकल के पर्शियन गल्फ की तरफ आगे बढ़ रही है, तो यहाँ का जो विस्तार है यह दरअसल दक्षिण मेसोपोटामिया है, और यह दक्षिण मेसोपोटामिया में भी यह जो विस्तार है पूरा, यह सुमेर का है। और दिस एरिया, अपर वन एरिया, या आप उसे अपर एरिया कह लीजिए, यह प्रदेश अक्कड़ का है, अक्कड़ एरिया। और अभी भी आप फर्दर नॉर्थ की तरफ जाओगे तो यहाँ आपको सेरियन सभ्यता जो है उसका जो प्रदेश है वह दृश्यमान होगा। क्लियर, भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा छोटा है, मगर इसकी जो, जैसे हमने शुरुआत में ही जिक्र किया, इसका इसकी जो एजेस है वह इतनी अर्ली थी, और जिसके साथ साथ इन लोगों का जो थोड़ा बहुत जो विकास था वो भी इतना अच्छा था उस समय के मुकाबले, तो इसका जो महत्व है वह कई गुना बढ़ जाता था। यह हमें याद रखना है, दो भौगोलिक जो पार्ट्स है यह पार्ट्स हमें याद रखने हैं, कौन से भाग में कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था वो भी हमें हमारे दिमाग में होना चाहिए। देखिए अब थोड़ा मैप स्टडी भी कर लिया, यह जो प्रदेश है, यह प्रदेश में आरस, चूने का पत्थर, तांबा, लोहा, शीशा, यह सब जो है वह अधिक मात्रा में मिलता था, विच मीन्स मिनरल रिच एरिया था। उसके बाद नदी के काप की वजह से ज़मीन बहुत उपजाऊ, ये दो नदी है, और जैसे ही हमने देखा और आगे भी देखने वाले मैप में, यह जो नदी है वह उसका जो डेल्टा एरिया है, यह डेल्टा एरिया में ही यह जो सभ्यता है उसका उद्भव हुआ है। तो उपजाऊ की तो कोई बात ही नहीं है, इट विल बी मोर देन फर्टाइल लैंड, क्योंकि यह डेल्टा एरिया है। और हमें मालूम होना चाहिए, यह एक भौगोलिक लक्षण है, ज्योग्राफिकल एक कैरेक्टरिस्टिक है, कि जो डेल्टा एरिया होता है वह दरअसल एकदम उपजाऊ होता है, क्योंकि वहाँ हर साल नया काप आता है, नया एलुवियल आता है, और इसी की वजह से ही उसकी जो फर्टिलिटी है वह कई गुना बढ़ जाती है। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से यह प्रदेश जो है वह उत्तर इराक का है, उत्तर इराक छोड़ दीजिए, आप पूरे इराक को ही सुमेर का जो है भाग गिन सकते हैं। आज का जो पूरा इराक है, यह पूरे इराक को सुमेर का भाग गिन सकते हैं, उसमें कोई जो है वह कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब दो मैप है हमारे पास, एक जो मैप है वह सिर्फ सुमेर को दर्शाता है, और जो दूसरा मैप है वह आज के इराक को दर्शाता है। क्लियर, आप देख सकते हो यहाँ तक
जो है इराक जो है वह फैला हुआ है, और यहाँ जो है वह असीरियन सभ्यता का विस्तार है। देखिए यह उर की हमने बात की, हमने उरुक की भी बात की, एक लागस नामक एक थोड़ा महत्वपूर्ण नगर है, दूसरा एक किस नामक भी महत्वपूर्ण नगर है। ये तो दिस वॉज द एरिया ऑफ समर। आज का जो इराक आप देखे तो यह जो पूरा प्रदेश है यह समर का रहेगा, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि यह उत्तर जो है वह आप निकाल दीजिए अपने दिमाग में से। सिर्फ पूर्ण जो इराक है यह प्राचीन काल का सुमेर था, हमें वही याद रखना है। उसके बाद विद्वानों के मतानुसार समुद्र ब्रजने से यह प्रदेश जो है वह विकसित हुआ, क्लियर, ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़, जहाँ पानी था वहाँ ज़मीन आ गई, टेक्टोनिक मूवमेंट्स और इसके जैसी सब सारी चीज़ है। देखिए ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ यहाँ का जो समुद्र था वह थोड़ा दूर चला गया, पीछे चला गया, और उसकी जगह जो है ज़मीन जो है वह आ गई। प्रोबेबली दिस माइट बी हैपन ड्यू टू सम टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ और समुद्र एक्टिविटीज़ लाइक दैट। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास विश्व का पूरा नक्शा है, और यह विश्व का जो पूरा नक्शा है यह हमें और किसी तरह से काम नहीं आने वाला, मगर विश्व में हम लोग सिर्फ इसका स्थान देख सकते हैं, और जो थियरी के बारे में हमें जो बात करनी है कि यहाँ के लोग जो है वो कौन है, कहाँ से आए हैं, तो उसके लिए भी यह जो थोड़ा मैप है वह हमें थोड़ी सरलता दे सकता है। देखिए जो हम बात कर रहे हैं वह बात दिस इज द इराक, और जो हमने अगली सभ्यता देखी यह सभ्यता यहाँ इजिप्त में कहीं, इजिप्त तो छोटा है मगर जो सभ्यता थी प्राचीन वह उसके उसके कोई सीमा नहीं थी। यह सीमा तो आज हमने बनाई है, अर्वाचीन युग की सीमाएं है, मगर प्राचीन सभ्यताओं को ऐसी सीमाएं नहीं थी। तो सूडान में थोड़े मध्य सूडान तक यह जो सभ्यता है वह फैली थी। तो एक मत ऐसा है, एक जो इतिहासकार है उसका समूह जो है वह ऐसा मानता है कि यहाँ की जो प्रजा है यह दरअसल अफ्रीका से आई है और इजिप्त होकर यहाँ बस गई है, एक मत ऐसा है। दूसरा मत ऐसा है कि यहाँ जो आर्मेनिया का प्रदेश है जहाँ से रशिया सीधे जा सकते हैं, अजरबैजान का, जॉर्जिया का, आर्मेनिया का जो प्रदेश है, यह प्रदेश में से यह जो प्रजा है वह आई है, जिसे कोक्सास एरिया कहा जाता है। तो एरिया बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में जो एरिया है यह एरिया को कोक्सास कहा जाता है। तो एक मान्यता ये भी है इतिहासकारों की कि ये लोग जो थे वे यह पर्टिकुलर जगह से सुमेर तक आए और बसे। हमारा जो आइडल है हिस्टोरियन जेम्स विल दुरांत, उनके मुताबिक यहाँ के जो लोग थे वे मंगोलिया से आए थे। कई इतिहासकार ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ के जो लोग थे वे पूर्वी एशिया के देशों से आए थे, यानी कि इधर से कहीं से, विच मीन्स दे माइट बी ट्रैवल्ड बाय लैंड। देर आर मल्टीपल थियरीज, एक जो गुट है वह यह भी मानता है कि मध्य एशिया जो है, यानी कि दिस वन दिस एरिया, यहाँ से लोग जो है वह सुमेर की तरफ गए हैं, क्लियर। तो देर आर मल्टीपल थियरीज, सर्वानुमत से जो स्वीकार्य है, सर्वस्वीकार्य है यह थियरी, यह कहती है कि यहाँ के जो लोग हैं वे मध्य एशिया से आए थे, या फिर वे लोग कोक्सास नामक जो प्रदेश है वह कोक्सास प्रदेश से जो भौगोलिक क्षेत्र में आए और यहाँ स्थायी हुए और बस गए। देखिए तो ये बात हुई यहाँ के थियरी की कि यहाँ के जो लोग थे वे कहाँ से आए
और कौन कौन सी थियरी थी। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एशिया का भी मैप है जिससे हमें थोड़ी आसानी हो सकती है। देखिए मैप का हमारे हमारी तैयारियों में बहुत बड़ा योगदान है और हमें जो मैप जो है वह हमें स्टडी करना चाहिए, सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए जो मैप है। और जितनी बार आप, आई बेट यू कि जितनी बार आप मैप खोलोगे और देखोगे, उसको स्टडी करने का प्रयास करोगे, उतनी बार आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। क्लियर? तो दिस इज़ द एशियन मैप और हमारा जो फोकस्ड एरिया है वह ये इराक है, विच इज़ ग्रीन कलर्ड। क्लियर? तो इस एरिया की बात कर रहे हैं और यह जो बात है वह दरअसल 20th century बिफोर कॉमन एरा की है। तो आप सब सोच सकते होंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए वेरी 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 अर्ली एजेस, कि जब मनुष्य जो है वह साथ में रहना उसने अभी हाल ही में शुरू ही किया था, ढंग से वो अपना जो खाना है वह अभी पैदा भी नहीं कर सकता था, हालांकि सीख गया था मगर ढंग से अभी पैदा नहीं कर सकता था, या राउंड थ्रू आउट द ईयर, राउंड द ईयर वह जो खेती है वह नहीं कर सकता था, मौसमी खेती उसने सीखी थी धीरे धीरे। क्लियर? और इस समय पे जैसे हमने इजिप्त में देखा, यहाँ सुमेर है, ऊपर बेबीलोनिया है, उसके ऊपर असेरिया है, सुमेर के इमीडिएट ऊपर अकडियन है, तो इन सभ्यताओं जो है उन लोगों के द्वारा समूह की रचना हुई, उसके साथ साथ नगर, उसके बाद नगर राज्य जो थे वे अस्तित्व में आए, और नगर राज्यों में से सब राज्यों विलीन होकर एक जो है बड़ा सा साम्राज्य हमारे सामने आया। तो दिस वॉज द होल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच बिग एम्पायर्स एमर्ज्ड। बिग एम्पायर्स ऐसे ही बिग नहीं होते, जन्म से बिग नहीं होते, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ स्मॉल 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 स्टेट्स, जिसमें सिटी स्टेट्स भी आ जाते हैं, जिसमें नेशन स्टेट्स भी आ जाते हैं। आगे अगर हम देखिए यह जो मुख्य मुझे आपको दिखाना है, यह कॉकेसस का प्रदेश है, क्लियर? और यह प्रदेश ब्लैक सी और कैस्पियन सी एंड कैस्पियन सी, यह दोनों के बीच में जो प्रदेश पड़ता है उसे कॉकेसस प्रदेश कहा जाता है। तो एक मत ऐसा भी है और यह स्ट्रॉन्ग मत है कि यहाँ की जो प्रजा है वह आके समय के किसी भी बिंदु पर यहाँ के बसी होगी, स्थाई हुई होगी, तो यह भी एक मत है। देखिए उसके बाद हमारे पास दो नक्शे हैं और यह दोनों नक्शे हमें, एक तो जो नक्शा है वह नदी हमें दिखाता है कि यह जो संस्कृति है उसकी जो जन्मदात्री है यह दोनों मुख्य नदी, इसका जो वहन है, इसकी जो डायरेक्शन है वह दर्शाती है। और जो दूसरा मैप है वह हमें दर्शाता है कि समय के अलग अलग बिंदु पर कौन कौन सी सभ्यता जो थी वह यह दोनों नदियों के स्राव क्षेत्र में विकसित हुई, उद्भव हुई और विकसित हुई। तो पहले ये नदी वाला समझ लेते हैं, फिर आते हैं यह फर्टाइल लैंड में। आई थिंक मुझे थोड़ा जूम करना होगा। यह पर्शियन गल्फ है जहाँ से जो है नदी जो है वह समुद्र में मिलती है, और इधर से दोनों जो नदी है उसका उद्भव होता है। दोनों नदियों का उद्भव जो है, जैसे कि हमने बात की, आज के तुर्की में है, और आज के तुर्की में अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो दोनों के दोनों साउथ ईस्ट जो तुर्की की जो माउंटेनियस रीजियन है, जो पर्वतीय क्षेत्र है तुर्की के दक्षिण पूर्व के, वहाँ से यह दोनों जो नदी है वह निकलती है और आगे पर्शियन गल्फ में समा जाती है। तो यह जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसका फ्यू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का जो एरिया है, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, इट मे बी इन लैक्स टू, हम लोग मना नहीं कर सकते। तो यह जो पूरा बड़ा विशाल क्षेत्र है जो, वह इन दोनों नदियों का स्राव क्षेत्र है, और
आज की जो हमारी सभ्यता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह तो पूरी की पूरी इसकी जो कोर बेसिन एरिया है, बेसिन एरिया में भी एकदम समीप में हो तो उसे कोर बेसिन एरिया कहते हैं, तो यह कोर बेसिन एरिया में यह संस्कृतियों का उद्भव और विकास हुआ है। क्लियर, समवेयर एट पॉइंट हियर, यहाँ बड़े बड़े जो नगर थे उरुक, जमदेत नास्त्र, लागोज, आगे हम अगर आए तो किस, तो इस तरह कुछ जो विकास है यह इन दोनों नदियों के समीप में हुआ था। अब इसका जो फर्टाइल लैंड देखे जो इन दो नदियों के द्वारा बनाया गया है, देखिए यह पर्शियन गल्फ में यहाँ दो नदियाँ समा जाती है। देखिए इधर हमें नाम भी दिए गए हैं, यह समर की सभ्यता है, उसके बाद यह बेबीलोन की सभ्यता है। बेबीलोन की सभ्यता हालांकि समर की सभ्यता के बाद उसका जो है उद्भव हुआ, और भौगोलिक क्षेत्र जो है वह एक ही था, मगर समय का जो काल है वह आगे पीछे था। शुरुआती समय में समर का उद्भव विकास हुआ, बाद में बेबीलोनिया का उद्भव और विकास हुआ। उसके ऊपर अक्कड़ है, अक्कड़ के ऊपर असेरिया है, तो ये चारों महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं जिसका जो उदय और विकास है वह मेसोपोटामिया की धरती पर हुआ। और आपको मालूम है कि मेसोपोटामिया की धरती को क्यों मेसोपोटामिया जो है वह कहा जाता है। तो यह जो दो नदियों का प्रदेश है, यह नदियों के प्रदेश में कई सारे बड़े छोटे नगर है, बड़े छोटी सभ्यताएं हैं, उसका जो है विकास हुआ था। उसके बाद उपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से अनेक जगहों से अनेक जातियां आई और बस गई, अनेक जगहों से अनेक जातियां आई जिसकी चर्चा हमने की। कई सारे मत है और ऐसा हो भी सकता है कि सब मत जो है वे सच्चे हो, ऐसा हो सकता है कि मंगोलिया से भी कोई जो समूह है वह आया हो, पूर्व एशिया से भी कोई समूह आया हो, दूर सुदूर अफ्रीका से भी कोई जो है समूह आया हो, मध्य एशिया से भी समूह आया हो, कोकोसोस या जो आर्मेनिया का विस्तार है वहाँ से भी कई समूह आए हो, यह सब संभवित है, यह सब मुमकिन है। यहाँ की जो प्रजा है उसको हम दो विभाग में विभाजित कर सकते हैं। Simply, the one will be Semitic people और दूसरा non Semitic people। देखिए यह जो सिमेटिक पीपल है, यह लोगों ने दरअसल अक्कड़ का जो प्रदेश है उसका विकास किया, अक्कड़ का विकास, और वहीं जो नॉन सिमेटिक पीपल है यह इन लोगों ने सुमेर का विकास किया। दूसरी बात, यह जो सिमिटिक पीपल है, यह जो सिमिटिक नाम है, यह जो सिमिटिक टर्म है, यह दरअसल एक सोशल कॉन्सेप्ट है, सोशल टर्म है जिसका प्रयोग मध्य एशिया में मुख्य रूप से होता है। तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेमिटिज्म दरअसल चार पांच वस्तुओं से बना है, जिसमें जीवन जीने का तरीका, विच मीन्स रूल्स और वे ऑफ लाइफ, लैंग्वेज, ट्रेडिशन या रिचुअल्स एक्सेट्रा इत्यादि जो चीज़ें हैं, यह चीज़ों से हम लोग को पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो आदमी है, पर्टिकुलर जो समूह है मनुष्य का, वह सिमेटिक है या नॉन सिमेटिक है। दूसरी बात, यह सब जो चीज़ें हैं, भाषा हो, जीवन जीने का तरीका हो, जीवन जीने का जरिया हो, क्लियर, या अन्य कोई भी भाषा, अन्य कोई भी बाबत हो, यह सब बाबत जो है, यह इसका जो मूल है, यह मूल यहूदियों में है।
सिमिटिज्म का दरअसल विकास ही यहूदियों के द्वारा हुआ है, और आज के समय कई देशों में यह जो सिमेटिक लैंग्वेजेस है वह बोली जाती है। सिमेटिक लैंग्वेजेस में कई सारी है मगर मुख्य सात है, जिसमें टाइग्रिनिया, टाइगर, अरेबिक, यह सब जो भाषा है उसका जो है समावेशन होता है। देखिए, जैसे हमने बात की कि कोई उपजाऊ प्रदेश हो, कोई रहने के लिए अच्छा प्रदेश हो, तो आसपास के लोग जो है वे हर वक्त तक में ही रहते हैं, हर वक्त वह अवसर में ही रहते हैं कि कब वहाँ की जो सत्ता है वह दुर्बल बने और हम वहाँ जाके वह जो प्रदेश है, वह जो क्षेत्र है, उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लें। तो इसी की वजह से सुमेर की जो प्रजा है वे लोग भी सदैव अपने आसपास के जो दुश्मनों थे, आसपास के जो आक्रमणकारी होते उनके साथ संघर्ष में ही रहे हैं। मगर यह संघर्ष में रहने के साथ साथ, यह संघर्ष में रहने के बावजूद भी यह लोगों ने अपनी जो परंपरा थी, अपना जो अपने जो मूल्य थे, अपनी जो संस्कृति थी उसको बचा के रखा और उसका जो है वह संवर्धन किया। अपनी संस्कृति एवं राज्य को बचाने के लिए यह प्रजा जो है वह सदैव संघर्ष में रही। इन संघर्षों के पश्चात इन लोगों ने अपनी संस्कृति को समृद्ध बनाया, यानी कि इसका विकास किया और इसका संवर्धन किया। संवर्धन मीन्स कंजर्वेशन। भारत की विश्वविख्यात हड़प्पा संस्कृति की तरह सुमेर की सभ्यता के अवशेष भी हमें उत्खनन के दौरान ही मिले। यस, उत्खनन जो क्रिया है उसके पहले किसी को भी अंदाजा नहीं था, किसी को भी मालूम नहीं था कि यहाँ कोई ऐसी महत्वपूर्ण जो सभ्यता है उसका उसकी जो है एक समय के एक बिंदु पर रही आती थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था, मगर एज लाइक इन द केस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक्सकावेशन के समय ही, जो उत्खनन कार्य होता था उसके समय ही लोगों को पता चला कि यह जो संस्कृति है वह कितनी बड़ी थी, कितनी विकसित थी, यहाँ यह संस्कृति के जो लोग थे वे कितने आगे थे, वे भी कितने विकसित थे। सुमेर में से जहाँ से भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वह संस्कृति को उस जगह का नाम दे दिया गया। सिंपल है, इट इज़ फॉर इजीनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर अवर इजीनेस टू रिमेंबर। इजिप्ट में भी हमने सेम जो है चीज देखी थी कि जिस जगह से, जिस गांव से जो संस्कृति का अवशेष मिला हो वह गांव का नाम ही वह संस्कृति को दे दिया जाए तो वह थोड़ा बेहतर रहेगा। तो इन दिस केस ऑल्सो सेम जो नोमेनक्लेचर है उसकी जो ट्रिक है वह सेम रही है। भौगोलिक प्रदेश, वहाँ की संस्कृति, तो वह संस्कृति का नाम वह भौगोलिक प्रदेश। सुमेर की प्रागैतिहासिक संस्कृति को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। मेनली तीन जगहों से सुमेर में से हमें यह जो संस्कृति है उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह तीनों जगहों के नाम ही हमने वह संस्कृति को दे दिए हैं। देखिए, एक बात छूट रही है, हमने नक्शा तो देखा सुमेर का, मगर अगर हमारे परीक्षा के लिए अगर हमें मानचित्र बनाना हो सुमेर का, तो हम यह मानचित्र मैं आपको बोर्ड में ही बना के दिखाता हूँ कि कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, बीच में सुमेर, यह हुआ नॉर्थ, नीचे हुआ साउथ, इस बाजू हुआ पूर्व और इस बाजू जो होगा वह होगा पश्चिम। क्लियर? तो बीच में सुमेर है, ऊपर जो है उसके ऊपर वह तुर्की है, इसके पूर्व बाजू ईरान है। आज की जो व्यवस्था है हम उसके तहत बात कर रहे हैं, तो तुर्की हुआ उत्तर में, ईरान हुआ पश्चिम और साउथ में, सऊदी। सऊदी अरेबिया और यहाँ जो है यानी कि नॉर्थ वेस्ट में सीरिया रहेगा। क्लियर? तो यह पूरा मानचित्र है इसके सराउंडिंग्स के साथ, तो यह हमारे परीक्षा के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा उपयोगी रहेगा। और इस तरह हम लोग उस समय की जो प्राचीन सभ्यता थी उसका जो सराउंडिंग है, उसका जो मानचित्र है वह प्रेजेंट कर सकते हैं।
देखिए, अब जब हम प्रागैतिहासिक संस्कृति की बात करें तो हमें याद रहना चाहिए, यह हमें दिमाग में हमारे रहना चाहिए कि अक्षर ज्ञान का, लेखन वांचन का, भाषा का, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। यह सब जो बातें हैं वह सब बातें उसके पहले की है, जब मानव जो है वह अभी लेखन वांचन यानी कि अक्षर ज्ञान मानव के पास नहीं था, नहीं सीखा था लेखन वांचन। क्लियर, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो उसी समय के तहत सुमेर में हमें तीन जगहों से यह प्रागैतिहासिक कालिक जो अवशेष है वह प्राप्त हुए हैं, और उसके जो नाम है वह नामकरण भी हमने वह निश्चित जगह के ऊपर से करे है जिसकी हमने चर्चा की। अब देखिए, सुमेर की प्रागैतिहासिक संस्कृति तीन संस्कृति है जैसे कि हमने बात की। पहली है अल उबेद, दूसरी उरुक, और जो तीसरी है वह है जमदेत नास्त्र। तो देखिए, यह तीन जगह है जहाँ से हमें भारी मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं, और अवशेषों के साथ साथ यह अवशेष को अभ्यास करने से हमें कई ऐसी माहिती भी मिली, कई ऐसे तथ्य भी मिले जो आज तक रहस्यमय थे। क्लियर, तो कई रूप से यह जो उत्खनन कार्य है यह हमारे लिए अच्छा है, और यह उत्खनन से आज दिन तक नए नए रिसर्च जो है वह होते रहते हैं, नई नई उत्खनन की जो शक्यताएँ है ये भी इतिहासकार जो है वे लोग उसको भी तपास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आज तक जो हुआ है, आज तक जो संशोधन हुआ है उसकी बात करेंगे हम, और उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला जो है वह अल उबेद है। इफ़ दिस इज सुमेर, तो यहाँ अल उबेद है। इंग्लिश में तेल अल उबेद लिखा जाता है, मगर इसे सिर्फ अल उबेद ही प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ ऊर है, उर थोड़ा नीचे है, आई एम सॉरी, यहाँ उरुक है, और उरुक और अल उबेद के बीच में यहाँ कहीं दमजत नास्त्र है। इसके प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा ट्विस्ट है, डी यहाँ साइलेंट है, और यहाँ टी जो है वह लिखा नहीं है, मगर प्रोनाउंस जो है वह नास्त्र किया जाता है, स्पेलिंग इसकी NASR रहेगी। क्लियर, तो ये तीन मुख्य रूप से प्री हिस्टोरिक साइट्स जिसे हम कहते हैं, जो हमें मिली है, और इसकी वजह से हमें कई माहिती जो है वे हमारे सामने प्रकाशित हुई है। देखिए, यह जो आज की सुमेर की चर्चा है वह हम इस बिंदु तक आज सीमित रखते हैं इस उपाख्यान को, और अगले उपाख्यान में हम लोग आगे वह जो हमने ढांचा देखा था हिस्ट्री का, वह जो पूरी ब्लूप्रिंट देखी थी उसके तहत हम लोग बात करेंगे। हम लोग आगे यह सभ्यता को देखेंगे, यह जो प्रागैतिहासिक कालिक जो हमें अवशेष मिले हैं उसकी भी बात करेंगे, यह साइट्स से, इन साइटों से। उसके बाद हम लोग उसका राज्य के इतिहास देखेंगे, वहाँ का राज्यतंत्र देखेंगे, और आगे वह जो मुद्दे थे उन मुद्दों से एक एक मुद्दों को लेकर बात करेंगे। दूसरी बात, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वह आपको फ्री मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो लिंक है वह आपको रहेगी, वह मौजूद रहेगी, जिससे आप यह जो PDF है वह एकदम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री में। तो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ माउंट एजुकेशन। थैंक यू।